सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपके पास एप्सन का L355 प्रिंटर है और उसमें रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर आप प्रिंटर से फोटोकॉपी कर रहे हैं तो फोटोकॉपी भी नहीं हो रहा है, और अगर आप कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं तो कंप्यूटर से भी प्रिंट नहीं आता है, आता है तो सर्विस रिक्वायर्ड का एक एरर मैसेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस टाइप का सर्विस रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आता है जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर से प्रिंट नहीं कर पाते। आज हम जानेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आपका फिर से स्वागत है हाउ डू इट कंप्यूटर इन द ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके पास इस टाइप की एरर आ रही है, आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है जिसको बोलते हैं रिसेटर। आपके मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास रिसेटर होना चाहिए, नहीं है तो आप मुझसे संपर्क करके ले सकते हैं। नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है तो आप कैसे उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सभी प्रिंटर के मॉडल्स के अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 355 का रिसेटर सॉफ्टवेयर चलाना है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर कर लूँगा और यहाँ पे गेस टू ऑल करके इसको मैं फोल्डर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ किस जगह कन्वर्ट होके रखा है। अगर आपका किसी फोल्डर में है तो आप इसको सिंपली डेस्कटॉप पे भी डाल सकते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस सॉफ्टवेयर को ढूंढने में। तो यहाँ पे मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मुझे पता है किधर पड़ा है, तो यहाँ पे हम उस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे। ये सॉफ्टवेयर ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास किसी भी तरीके का एंट्री वायरस है तो उसको आप डिसेबल कर दीजिए, या फिर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें विंडोज़ डिफेंडर होता है, तो उसकी जो आप प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन उसको आप डिसेबल कर दें। नहीं करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपका जो है बेकार हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आपका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल कर देना है या विंडोज़ डिफेंडर को आपको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे हमारे इस कंप्यूटर के अंदर किसी भी तरीके का एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं है और विंडोज़ डिफेंडर ऑलरेडी ऑफ है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे पास इस तरीके से आ चुका है फोल्डर में कन्वर्ट होके, और आपको डबल क्लिक करके सिंपली इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ देर प्रोसेस करेगा और उसके बाद हमारे सामने एप्सन एडजस्टमेंट प्रोग्राम इस तरीके से आ जाएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैं जैसे ही सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास चार ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है मॉडल नेम, तो यहाँ पे आपके प्रिंटर का जो भी मॉडल नेम है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास है L355, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे पोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑटो सिलेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका प्रिंटर ऑन है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो आपको यहाँ पे मॉडल नज़र आ जाएगा, ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट नज़र आएगी, आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वेस्टिंग पैड काउंटर, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेस्टिंग पैड काउंटर का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपको मेन पैड काउंटर पर चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद जैसे आप चेक पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक कुछ काउंटिंग नज़र आएगी और यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आएगा, आपको सिंपली ओके कर देना है। इस टाइम आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए, अगर ऑन है तो इस तरह की एरर नहीं आएगी, और अगर फिर भी आती है तो आप एक बार प्रिंटर को रीस्टार्ट कर लें, यानी कि पावर से ऑन ऑफ कर लें। ऑन होने के बाद एक बार वापस चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परसेंटेज और काउंटिंग नज़र आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज और काउंटिंग नज़र आ जाती है तो आपको नीचे चेक के नीचे इनिशियलाइज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक बार ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमको ओके पे क्लिक कर रहे हैं, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। मैं आपको ये एक ट्रायल वीडियो बता रहा था जिसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर को चला के प्रिंटर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको चलाने के बाद आपका जो प्रिंटर जो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, सर्विस रिक्वायर्ड का एरर मैसेज आ रहा है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी इस तरह के प्रिंटर यूज़ करते हैं उनको शेयर कर देना। और अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो कॉन्टैक्ट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।